खबर है रीवा से। रीवा जिले में नकली प्रोडक्ट बेचने का गोरख धंधा जमकर फल फूल रहा है। आए दिन ब्रांडेड कंपनियों के नाम से नकली सामान बेचने वाले पकड़े जा रहे हैं। मोटी कमाई के लिए ग्राहकों को चूना लगाने का कारोबार बदस्तूर जारी है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के साथ साथ प्लास्टिक की पाइप और अन्य सामान बेचे जा रहे थे। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र से प्रकाश में आया है, जहां कंपनी के कर्मचारियों की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने वी ट्रेडर्स और एक अन्य नाम की दुकान में छापामारी कार्यवाही की है, जहां से पुलिस को लाखों का नकली सामान बरामद हुआ है। दुकानदार के द्वारा हरियाणा की नामी कंपनी का लेवल लगाकर जीन्स बेचे जा रहे थे। शिकायत पर कंपनी के कर्मचारी प्रहलाद नायक रीवा पहुंचे और जांच पड़ताल की तो उनकी कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने की जानकारी उन्हें मिली, जिसकी जानकारी उन्होंने फिर पुलिस को दी। कर्मचारी के साथ पुलिस उक्त दो दुकानों में पहुंची, जहां कार्यवाही की है। की गई कार्यवाही के संबंध में कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि हमारी कंपनी ब्रांड प्रोडक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा के द्वारा सर्वे करवाया गया था, उसकी कंपनी के नाम पर नकली जीन्स बेची जा रही है। जांच पड़ताल में दो दुकानों में नकली जीन्स बरामद की गई है। आइए सुनाते हैं कंपनी के कर्मचारी का पूरे मामले को लेकर क्या कहना है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रहलाद नायक है। ये कुछ नकली जीन्स वगैरह बरामद किया गया है, क्या है पूरा मामला बताइए। सर मामला ये है कि यहाँ पे हमारी कंपनी ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा द्वारा यहाँ पे कुछ सर्वे करवाया गया। कंपनी की शिकायत पे कुछ शिकायत थी, यहाँ पे कोई नकली जीन्स का व्यापार कर रहा है, होलसेलर है कोई, तो उसमें वो शिकायत के ऊपर आज मैं यहाँ पे आया हूँ और पुलिस प्रशासन की सहायता से हमने ये कार्रवाई करी है और लगभग दो दुकानों पर कार्रवाई करी हमने, राम स्टोर और साई गारमेंट्स, जहाँ से नकली मुफ्ती ब्रांड्स की जिन्सें बरामद की गई है। उनको पुलिस स्टेशन लाया गया और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। दुकान कहाँ पर बनी हुई है और किन के द्वारा आपको? ये जानकी मार्ग पे है, रीवा शहर के अंदर ही है, होलसेल मार्केट। कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ नकली जिन्स बेची जा रही है क्या? यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो मार्केट में सर्वे करते हैं, उस सर्वे के दौरान ये पाया गया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी टैक्स की हानि हो रही है। कितनी जिन्स बरामद की है? लगभग 100 से ज़्यादा लगभग जिन्स बरामद की गई। सिटी कोतवाली में कार्रवाई हुई? हाँ, सिटी कोतवाली में कार्रवाई। हाँ, एफ आई आर में हमारी तरफ से की जा रही है। हाँ, कॉपीराइट एक्ट में सर उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या एक साथ तो सब पे नहीं कर सकते हैं, अभी आज कार्रवाई हुई है और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, पूरी तैयारी है हमारी।